लोकसभा चुनाव के समर में सागर में गागर की सियासत गर्म है। इसी कड़ी में अब सागर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कमलनाथ सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश में 2.5 CM की सरकार चल रही है। देखिए एमपी न्यूज की इस खास खबर में। एमपी के सागर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2.5 CM की सरकार चल रही है। पीएम बोले कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी तभी से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई। सागर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी पीएम मोदी के भाषण के दौरान देखने को मिली और पीएम मोदी के भाषण से एक बार फिर बीजेपी में सियासत का पारा गर्मा गया है। साथियों, जब किसी राज्य में हमने बहुत सरकारें देखी है साहब, न देश में कहीं पर हमने 2 CM देखे हैं, न कभी देश ने कभी 2 PM देखे हैं। पहली बार मध्य प्रदेश में 2.5 CM की सरकार है। अब जब 2.5 CM की सरकार है तो ये किस दिशा में जाएगी भाई? ये मध्य प्रदेश को कहां ले जाएंगे? शासन किसका आदेश माने यही पता नहीं है। मैं तो कहूंगा कि धनमोह और पुत्रमोह में फंसे मध्य प्रदेश के नेताओं को इस सागर झील के लाखा बंजारा जी के त्याग से जरूर सीखना चाहिए। सागर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा के दौरान जुटी भीड़ ने यहां पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी पर भी विराम लगाया और बुंदेलखंड में मोदी की दस्तक से बीजेपी को भी भरपूर सियासी बल मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सागर।